मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कानून और संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनता है और उसकी जिम्मेदारी होती है उसके सरकार के यंत्रणा में काम करने वाले पुलिस वालों ने, आदिवासी महिलाओं का यह कहना है जिनको निर्वस्त्र घुमाया गया, जिन पर अन्याय और अत्याचार किया गया, उनका बयान है कि ये सरकार के लोगों ने और पुलिस वालों ने उनको, हिंसा करने वालों को हैंडओवर किया। ये तो हैरान करने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो अगर मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए और उनको हिंसक भीड़ के पास उसको हैंडओवर कर दिया जाए, तो क्या वहां के मुख्यमंत्री ऐसा अनुभव लेना चाहेंगे, ऐसा अनुभव करना चाहेंगे? तभी उनको एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा। हद हो गई, हैरान करने वाली बात है इस तरह का बयान। कि सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो रही है, सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो रही है, वहां इंटरनेट पर पाबंदी लगाई हुई है, दुनिया वालों को सैकड़ों घटनाएं हो रही है मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और वो घटनाएं सारे दुनिया वालों को मालूम ना हो इसकी खबरदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंटरनेट के पावर है, इंटरनेट सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर रही है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम है, हमारे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मालूम है, जानकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी प्रकार के कार्रवाई का आदेश राज्य सरकार को दिया, ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। साथियों, मणिपुर में जो चल रहा है वो दरिंदगी की इंतहा है। कोई भी व्यक्ति जो इस सभ्य समाज में रहना चाहता है बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और किसी को भी ये बात बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। टीवी पर वहां के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया, एक पत्रकार जब उनको पूछ रहे थे तो बोल रहे थे कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो रही, और यानी मुख्यमंत्री को निर्लज्जता की हद हो गई। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कानून और संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनता है और उसकी जिम्मेदारी होती है उसके सरकार के यंत्रणा में काम करने वाले पुलिस वालों ने, आदिवासी महिलाओं का यह कहना है जिनको निर्वस्त्र घुमाया गया, जिन पर अन्याय और अत्याचार किया गया, उनका बयान है कि ये सरकार के लोगों ने और पुलिस वालों ने उनको, हिंसा करने वालों को हैंडओवर किया। ये तो हैरान करने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो अगर मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए और उनको, हिंसक भीड़ के पास उसको हैंडओवर कर दिया जाए, तो क्या वहां के मुख्यमंत्री ऐसा अनुभव लेना चाहेंगे, ऐसा अनुभव करना चाहेंगे? तभी उनको एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा। हद हो गई, हैरान करने वाली बात है इस तरह का बयान। कि सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो रही है, सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो रही है, वहां इंटरनेट पर पाबंदी लगाई हुई है, दुनिया वालों को सैकड़ों घटनाएं हो रही है मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और वो घटनाएं सारे दुनिया वालों को मालूम ना हो इसकी खबरदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंटरनेट के पावर है, इंटरनेट सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर रही है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम है, हमारे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मालूम है, जानकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी प्रकार के कार्रवाई का आदेश राज्य सरकार को दिया, ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के इनएक्शन की वजह से, यानी किसी प्रकार की एक्शन करने ना करने की वजह से ये सारा मामला इतना गंभीर हुआ है, ऐसे कहा जा सकता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का हंगामा और जिस तरह की घटना घटित हुई, उससे वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः फेल हो गई है। गवर्नर का खुद बयान है,
गवर्नर ने जो बयान दिया उससे उस पर भी मैं बहुत हैरान हूं। गवर्नर को उस सरकार को बर्खास्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना चाहिए। गवर्नर ने यह काम किया ऐसी कोई खबर नहीं है। और अगर मान लो गवर्नर ने इस तरह का रिपोर्ट भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर आदिवासियों में और मैथिली समुदायों में झगड़ा लगाने के राजनीतिक मकसद के काम में लगी हुई है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारतीय जनता पार्टी को फैलाने के लिए इस तरह की निज घटनाओं का इस्तेमाल करने के लिए वो कोशिश कर रही है। इन घटनाओं से तो यही प्रूव हो रहा है। इस तरह की निजता का प्रदर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने पहले ही भारत सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से आदिवासियों के जो कस्टमरी लॉज है वो खत्म होते हैं, उसके विरोध में भारत बंद का हमने ऐलान किया था। तो उसका तीसरा चरण 27 जुलाई को है, और 27 जुलाई को जब है तो 27 जुलाई को मैं सारे देश भर के कार्यकर्ताओं को आदेश निर्देश देता हूं कि वो प्रदर्शन रैलियों में इस मुद्दे को शामिल करें। भारत बंद में तो वो शामिल ही है, प्रदर्शन रैलियों में इस मुद्दे को शामिल करें, और शामिल करके जिला लेवल पर सारे देश में 31 स्टेट में ये प्रदर्शन रैलियां किया जाए, कमिश्नरी लेवल पर किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाए, तहसील लेवल पर किया जाए, ब्लॉक लेवल पर किया जाए, ग्राम पंचायत लेवल पर किया जाए। सारे देश के कार्यकर्ताओं को मैं आदेश निर्देश देता हूं कि जहां जहां भी हम लोग संगठित रूप से काम कर रहे हैं, वहां वहां संगठित होकर प्रदर्शन रैलियां, प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए पूरी ताकत लगाकर बड़े पैमाने पर इसको किया जाए। हम सारे देश भर में सोशल मीडिया में इसका कैंपेन शुरू कर रहे हैं, उसके साथ साथ सारे देश भर में इससे संबंधित पर्चे निकाल रहे हैं। ये पर्चे सोशल मीडिया में वायरल किए जाएंगे। इसके अलावा वॉल पोस्टरिंग सारे देश भर में किया जाएगा। इसके अलावा सारे देश भर में वॉल पेंटिंग किया जाएगा। सारे देश भर के लोगों को इसके लिए पब्लिसिटी करने के लिए भी आदेश और निर्देश दिया जाता है, और पूरी ताकत लगाकर ऐसे किया जाए। मैं ऐसे मानता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज पहुंचे, इसलिए पब्लिसिटी पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचे, ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो, अगर ये हमारा मकसद है तो निश्चित रूप से पब्लिसिटी पर भी हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा।